हेलो एवरीवन आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और देखिए आज हम सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए टॉप टेन जीके एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनसे कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक सी डी एस एफकेट एन डी ए एस एस सी आर आर बी एट्सेट्रा इन ऑल एग्जामिनेशंस हर साल सेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओके okay, सो वट एवर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू कवर टुडे दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होकर बैठिए और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ओके okay, चलिए शुरू करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें ओके okay, चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज हु वन आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेट इन 2020 यानी कि 2020 में आईसीसी के द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं आईसीसी सी मीन्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल तो उसमें क्रिकेटर ऑफ द डिकेट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है देखिए इसको आपको ध्यान से समझना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर या क्रिकेटर ऑफ द डिकेट यदि ईयर है तो केवल एक साल की परफॉर्मेंस के लिए वो अवार्ड होता है और यदि डिकेट है तो वो पिछले दस सालों में कंसिस्टेंटली उस प्लेयर की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है ओके तो 2020 में ये अवार्ड दिया गया है भारत के बल्लेबाज विराट कोहली को और ये भारतीय टीम के कैप्टन हैं एंड ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेट का अवार्ड भी विराट कोहली को ही दिया गया है और इन्हीं अवार्ड्स में तीसरा इंपॉर्टेंट अवार्ड है कि स्प्रिट ऑफ द क्रिकेट इन डिकेट ये अवार्ड दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए तीन पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को मिलेंगे ये तीन कौन कौन से अवार्ड्स हैं क्रिकेटर ऑफ द डिकेट और ओडीआई प्लेयर ऑफ़ द डिकेट ये दोनों अवार्ड्स दिए गए हैं विराट कोहली को और स्प्रिट ऑफ क्रिकेट इन डिकेट ये अवार्ड दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को देखिए आईसीसी अवार्ड्स के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं और ये अवार्ड्स मिले हैं इंडियन प्लेयर्स को जो कि हैं विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी ओके okay, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और राइट लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि 2020 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है ओके तो देखिए 2020 में इंडिया की रैंक आउट ऑफ 189 कंट्रीज़ 130 रही है जो कि बहुत ही एम्बेसिंग है यानी कि बहुत बेकार हमारी स्थिति है इस इंडेक्स में जो 189 कंट्रीज़ थी उनमें हमारा एक सौ नंबर है और देखिए एग्जामिनेशनस में ये इंडेक्स एंड रैंक से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और ये डिफेंस के जो एग्ज़ामिशन्स होते हैं लाइक एफ एट सी डी एस एन डी ए इन में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप प्लीज इसको याद कर लीजिए लेट्स मूव ऑन और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है हु वन नोबेल पीस प्राइज इन 2020 यानी कि 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है ओके देखिए ये नोबेल प्राइज छह कैटेगरीज में दिया जाता है पीस लिटरेचर फिजिक्स केमिस्ट्री मेडिसिन एंड इकोनॉमिक्स इनमें से पीस एंड लिटरेचर ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है दो कैटेगरीज और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पीस और लिटरेचर से पूछा जाता है तो पीस के कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया है ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर अफेक्टेड एरियाज यानी कि भुखमरी से प्रभावित एरियाज में लोगों को खाना प्रोवाइड करती है और इस फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क करने के लिए इनको 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ओके okay, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि हम लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है अमेरिका की कवित्री यानी कि पोइट लुइस ग्लक को दोनों क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको आपके एग्जामिनेशंस की वेरियस शिफ्ट्स में जरूर देखने को मिलेंगे ओके okay, देखिए यदि आपका एग्ज़ाम मेनी शिफ्ट्स में होता है या मेनी डेज में होता है मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लेगा कि लिटरेचर के फील्ड में अवार्ड किसको दिया गया इवनिंग में पूछ लेगा कि पीस के फील्ड में किसको दिया गया ओके okay, अगले दिन में मॉर्निंग की शिफ्ट में पूछ लेगा कि फिजिक्स की कैटेगरी में किसको दिया गया इवनिंग में पूछ लेगा कि केमिस्ट्री के फील्ड में किसको दिया गया ओके okay, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जरूर जाएंगे बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और देखिए इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ यदि वो आपने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हु वन बुकर प्राइज इन 2020 यानी कि 2020 में बुकर प्राइज़ किसने जीता है देखिए ये प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बुकर प्राइस से क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है ये सभी एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है और 2020 में ये अवार्ड जीता है डगलस स्टूअर्ट ने और ये अवार्ड इनको इनकी नोवेल शुगी बैन के लिए दिया गया है ओके okay, तो 2020 का बुकर प्राइज डगलस स्टूडेंट को दिया गया है इनकी नोवेल शुगी बैन के लिए ऑल राइट right, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए वॉट एवर क्वेश्चन वी आर कवरिंग दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी दीज क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में इन क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे ऑल राइट सो वॉट एवर क्वेश्चन वी आर कवरिंग प्लीज़ टेक देम सीरियसली और इनको मेमोराइज़ करके जाइए ऑल राइट लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हु हैव बीन अवार्डेड बाय खेल रत्न इन 2020 यानी कि 2020 में खेल रत्न किनको दिया गया है देखिए खेल रत्न तीन चार साल के टाइम स्पेन में कंसिस्टेंटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने के लिए दिया जाता है ऑलराइट, right. और 2020 में ये अवार्ड दिया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा को और पैरा एथलीट थंगा वैल्यू मरियप्पन को ये वही थंगा वैल्यू मरियपन है जिन्होंने कि 2016 के पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था और ये अवार्ड पाने वाली तीसरी खिलाड़ी है मनिका बत्रा ये एक टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल एंड विनेश फोगाट ये एक रसलर हैं विनेश फोगाट ये फोगाट सिस्टर्स में से एक हैं और ये बहुत ही अच्छा खेलती हैं और दंगल मूवी जो बनी थी वो इन्हीं सिस्टर्स पर बनी थी ओके okay, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन पांचों नामों में से आपको आपके एग्जामिनेशन में नाम देखने को मिलेंगे ओके okay, तो खेल रतन किन किन लोगों ने जीता है रोहित शर्मा थंगावेलू मरियपन मनिका बत्रा रानी रामपाल एंड विनेश फोगाट ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच सॉन्ग वन सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रेमी अवार्ड्स 2020 यानी कि 2020 के ग्रेमी अवार्ड्स में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किस गाने को दिया गया है ओके तो देखिए ये अवार्ड बिली आइलिश के बैड गाय गाने को दिया गया है बैड गाय गाने का नाम है और बिली आइलिश अमेरिका की एक उभरती हुई नई सिंगर है ओके और देखिए बैड गाय को केवल सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड ही नहीं इसको बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड भी दिया गया है और बिली आइलिश को ग्रेमी अवार्ड्स की जो मेजर कैटेगरीज होती हैं उनमें से पांच अवार्ड्स इनको दिए गए हैं तो इन्होंने ग्रेमी अवार्ड 2020 में डोमिनेट किया था और इनको सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले थे पांच ओके सारे मेन अवार्ड्स इन्हीं को मिले थे तो सॉन्ग ऑफ द ईयर एंड बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है बैड गाय गाने को ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि भारत रत्न पदमा अवार्ड्स गैलेंट्री अवार्ड्स मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स एट्सेट्रा इन सभी टॉपिक्स पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिए कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ये वीडियोज आपको ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी ओके okay, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हु वॉज अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज इन टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि दो हजार बीस में वर्ल्ड फूड प्राइज किसको दिया गया है और ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रतन लाल जी को और ये भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं और ये सॉइल यानी कि मिट्टी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं कि उसका एग्रीकल्चर पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और उसको और किस तरीके से बेटर किया जा सके तो देखिए ये अवार्ड इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है और ये एक भारतीय मूल के साइंटिस्ट को दिया जा रहा है सो दैट इज़ वाई दैट क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस क्वेश्चन में अपीयर इन योर एनी एग्जामिनेशन ओके सो प्लीज़ रिमेंबर इट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिल्म वन गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2021 यानी कि 2021 का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है देखिए जनवरी 2021 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा के पणजी शहर में कंडक्ट कराए गए थे और उसमें ये अवार्ड दिया गया था गोल्डन पीकॉक अवार्ड और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ओके okay, तो 2021 में ये अवार्ड दिया गया है इन टू द डार्कनेस मूवी को नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर हॉकी इन टू यानी कि 2020 में हॉकी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया है तो ये अवार्ड दिया गया है जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को और ये इंडिया के हॉकी प्लेयर रहे हैं और इनको इंडियन हॉकी टीम को अच्छी कोचिंग प्रोवाइड कराने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच सिटी विल होस्ट ओलंपिक गेम्स 2024 यानी कि 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे उनको कौन सा शहर होस्ट करेगा यानी कि उनकी मेज़बानी करेगा तो 2024 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो फ्रांस के पेरिस शहर में कंडक्ट कराए जाएंगे और 2028 के जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में कंडक्ट कराए जाएंगे देखिए ये स्पोर्ट टूर्नामेंट्स के वैन्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये अक्सर एग्जामिनेशनस में पूछे जाते हैं और राइट right, तो ये जो भी हमने क्वेश्चन कवर करे हैं दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इनसे सेट पैटर्न के क्वेश्चन हर बार हर एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशंस में जाने से पहले इन क्वेश्चन को तैयार करके ज़रूर जाइए right. और राइट और देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि 2020 में आईसीसी के क्रिकेटर ऑफ द डिकेट का अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है यदि आपने सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बड़े आसानी से दे देंगे और इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव कर लीजिए और एंड स्क्रीन पर जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं दीज ऑल वीडियोज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव सो बिफोर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन प्लीज़ गो थ्रू दैम एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अवेलेबल लगी होगी और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी ओके एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे बाय बाय